ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सारे दूध के धुले हैं, जो बदमाश ब्राह्मण थे वो मारे गए और मारे जाते रहेंगे अगर योगी सरकार रही। इस समय हम हैं गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर, वो घाट जिसको हरिद्वार के तर्ज पर विकसित करने की बात कही गई, जहां पर आरती जब होती है तो कलरफुल फाउंटेन आपको देखने को मिल जाएंगे और बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि पिछला कुछ वक्त जो था वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा कोरोना की वजह से, लेकिन अब ये घाट जो है फिर से गुलजार है इन श्रद्धालुओं से। पंडे पुरोहित भी हैं यहाँ पर जो यहाँ कर्मकांड करवाते हैं, तो आज हमारी कोशिश है कि उनसे जाने कि भाई आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस ब्रज घाट के विकास के नाम पर बीजेपी जीती, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी थी, लेकिन कमल खिला 17 में, जब 17 में कमल खिला तो क्या इनकी बाछें खिली हैं, क्या वाकई में यहाँ पर तस्वीर बदली है? पंडित जी पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम बलराम शर्मा है। बलराम शर्मा, ये बताइए, ये ब्रज घाट के विकास की बात कही गई कि हरिद्वार बना देंगे, बन गया? ब्रज घाट के विकास की बात की गई, वहाँ विकास कार्य भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विकास कार्य ना हुए और आगे होते भी रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छा। ऐसा मुझे योगी पे यकीन है, क्योंकि मैं 28-29 आदमी लेकर उनसे मिल चुका हूँ। कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि वो जो घाट है वो विकास नहीं हुआ है, ये भी तो उसी में आता ना, ब्रज घाट उसी में आता है। मैं उसके भी विषय में बोलना चाहता हूँ, ये जनपद अमरोहा का किनारा है और ये आवाज़ मेरी अगर वहाँ तक पहुँचेगी तो बड़ी अच्छी बात है। तो योगी जी तो सबके मुख्यमंत्री, क्या अमरोहा क्या आप? नहीं, वो तो खैर सही है, लेकिन जनपद अमरोहा के किनारे पर कोई भी कार्य नहीं हुआ ब्रज घाट। क्यों? ये वो जाने प्रशासन, यहाँ के विधायक जाने, सांसद जाने। ब्रज घाट है, अगर है गंगा मैया इधर भी उधर भी, तो तकलीफ तो उधर भी है ना, कि उधर घाट क्यों? देखिए मैडम जी, जो काम शुरू से हुआ ही नहीं है उसको करने में तो टाइम लगेगा। योगी सरकार ने कम से कम काम तो शुरू किया है, आज इधर का हुआ है कल उधर का होगा। अब कहिए कि जादू मंत्र तो नहीं, बटन दबा दिया लाइट जल गई सब जगह उजाला हो गया, तो होते होते होगा ना, अब इधर का हुआ है अब उधर का होगा, कब तक होगा? मतलब आपको लगता नहीं गंदगी देख रहे हैं, कितना ज्यादा गंदगी? अभी आकर के चुनाव आ जाएगा, चुनाव का आचार संहिता लग जाएगी, फिर कैसे होगा? हर जगह आप इलाहाबाद में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए। आप मुलायम सिंह की बात क्यों नहीं करती, जो कार सेवकों पर गोली चलवाए आज जाकर के मत्था टेक रहे हैं? आप केजरीवाल को देख, ये तो योगी जी की भाषा बोल रहे हैं। मैं नहीं, योगी जी की भाषा कोई है, योगी जी हमारे घर के नहीं है, ना हमें खाने को देते हैं, जो हुआ है वो सत्य बता रहे हैं। आज तक केजरीवाल कहते रहे कि मुसलमानों को वहाँ पर मस्जिद बनना चाहिए, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद, आज केजरीवाल पुतला बना करके जो है रामचंद्र जी का और दिवाली मना रहे हैं। यानी आप तो सिर्फ योगी को सपोर्ट कर रहे हैं कि धर्म वोटिंग फॉर योगी सरकार? नहीं जी, हिंदुत्व के लिए काम हुआ है, हिंदुत्व के लिए काम होगा, योगी सरकार है तो हिंदुत्व है। हिंदुत्व क्या है? हिंदू तो हिंदू की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान, दिस इज हिंदुस्तान। तो अखिलेश की सरकार में या मायावती की सरकार में हिंदू मारे जा रहे हैं? नो, हिंदू कोई मारा नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप मुस्लिम को बढ़ावा देते हो, हिंदुओं को सिर्फ एक वादा देते हो, तो ये तो गलत है। जो सरकारी योजना, मायावती का नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये मायावती का नारा था। नहीं नहीं, कम से कम ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं? नहीं, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, नहीं हम पूछ रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को कहा जा रहा है कि योगी सरकार में सबसे ज्यादा मारे गए एनकाउंटर में, तो ब्राह्मण मारे गए, ब्राह्मणों को। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सारे दूध के धुले हैं, जो बदमाश ब्राह्मण थे वो मारे गए और मारे जाते रहेंगे अगर योगी सरकार रही तो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो। किसान मारे जाते हैं, वो क्या अभी जो ठीक ठीक अब देखिए, जब महिलाएं, देखिए महिला ब्रिगेड भी यहाँ पे बड़ी संख्या महिलाएं दिख रही हैं घाट पे, है ना, आस्था बहुत होगी, श्रद्धा मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या सिर्फ आस्था श्रद्धा राम, या फिर कहते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, सब्जी जाओ तो लेने महंगा, फल जाओ तो लेने महंगा, वो नहीं परेशान करता? नहीं नहीं करता है, नहीं सब मैनेज कर लेती हैं। कर लेते हैं, कैसे करती हैं? कर लेते हैं, कर लेते हैं। कोई जादू की छड़ी है तो बताए नाम? छड़ी नहीं है, परेशान है लोग, हमसे कह रहे थे महंगा। परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नहीं कोई शिकायत नहीं कि सिलेंडर महंगा हो रहा है, आटा चावल महंगा हो रहा है, कोई शिकायत नहीं है ना। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। और विकास हो रहा है? अच्छा, विकास का, विकास कहाँ हो, मतलब क्या हुआ? यूपी में हाँ, देखो अयोध्या में देख लो, मतलब क्या हुआ? अच्छा मंदिर बन रहा है, रोड बन रहा है, औरतों की सुरक्षा कर रहे हैं, गली गली में यहाँ सुविधा हो रहा है। गली तो अभी लड़के कहीं भी मैं घूमे कोई दिक्कत नहीं है। रात में निकलती हैं? हम निकलते हैं, भी चालू हो रही। हाँ, योगी राजमा खूब आनंद आ रहा है। बुलेट ट्रेन कहाँ से चालू है? लखनऊ में चल रहा है, वो तो अखिलेश के समय का। अभी मेट्रो चालू हो गया है, हम लखनऊ के हैं, अयोध्या के हैं, तब तक गए हैं, ठीक है। हाँ, अयोध्या से हम भी हैं, अयोध्या में। अच्छा, तो अयोध्या में
नवरात्र तो अलग जिला हो गया। देख लो कितना बढ़िया बना दिया अयोध्या, हमारे कितना बढ़िया बना दिया, राम जी के दर्शन तो मिलेंगे, कोई भी नहीं बना पा गया। अलग तो अभी हमारे तो यहाँ तो टूटी फूटी वाल्मीकि बस्ती के आसपास और जो निषाद बस्ती आप इनको भी अच्छे कर रहे हैं योगी। अरे क्या प्रियंका गांधी बहुत नहीं 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 महिलाओं को टिकट देंगे। हाँ सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाओं की सुरक्षा है, हर चीज की वो है, धर्म के नाम पे बहुत टीवी अच्छा चमका रहा है, धर्म के नाम पे चमका रहे इसलिए नहीं बोलना। और भी अच्छा बना सब कुछ है। आंटी आपको क्या है भाई, किसकी तरफ? जो काम करे, जो एक्चुअल में काम करे उसकी। मतलब वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप इन लोगों के काम का पैरामीटर हो गया, मंदिर बन गया। मंदिर से नहीं, मानसिक विकार सभी बच्चों का, बड़ों और युवा का और देश का, और उनको का उनको कारोबार दे तो उनको मानसिक विकास होगा, उनको उनको अपॉर्चुनिटी दे काम करने की, उनके स्कूल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले तो विकास होगा।